नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नए शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य नहीं, सुविधाएं जुटाना आवश्यक। सरकार का उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना नहीं है, बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। ये बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान कही। उन्होंने 9 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्लॉक सी भवन का लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरकेएमबी की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। शिमला में हल्के बादलों के साथ खिली धूप, मौसम में बढ़ी ठंडा, किस दिन तक साफ रहेगा मौसम। राजधानी शिमला में बुधवार को दिनभर हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही, मौसम में ठंडक बढ़ गई। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई। मैदानी जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम में बदलाव आने से अब सुबह और शाम के साथ दिन के समय भी ठंडक बढ़ना शुरू हो गई। प्रदेश में बुधवार को सिर्फ ऊना, भुंतर, कांगड़ा, बिलासपुर, नेरी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। अन्य क्षेत्रों के तापमान में बीते दिनों के मुकाबले गिरावट दर्ज हुई। हिमाचल की बसेस में अब सामान ले जाना हुआ महंगा, 6 kg वजन पर लगेगा पूरा टिकट, देखिए लिस्ट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस में सामान लाना ले जाना महंगा हो गया। निगम ने 0 से 5 किलो तक के सामान पर भी किराया तय कर दिया है। 28 सितंबर को आयोजित HRTC के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए लाया गया था। निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। दिवाली से ठीक पहले निगम प्रबंधन ने अधिसूचना जारी की है। दिवाली के दौरान लोग घरों को सामान लेकर जाते हैं, ऐसे में उन्हें अब इसका किराया चुकाना होगा। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी, ऐसे होगा एरियर का भुगतान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश दिए। सरकार के वित्त विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या FIN CB 7/1/2021 जारी किया है। इसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 अक्टूबर 2024 से महंगाई भत्ता मौजूदा दर 38% से 4% बढ़ाकर 42% करने का फैसला लिया गया है। पायलट्स की सुरक्षा को 9 टीम सहित एक हेलीकॉप्टर रहेगा तैनात। 2 नवंबर से शुरू होगा वर्ल्ड कप। पैराग्लाइडिंग साइट बीट बिलिंग में दूसरी बार 2 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले पैराग्लाइडिंग विश्व कप के दौरान साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की सुरक्षा के मद्देनजर 9 टीम सहित एक हेलीकॉप्टर आयोजन स्थल में तैनात रहेगा। इसके साथ ही तिब्बती समुदाय के लोगों का भी आयोजन के दौरान सहयोग लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार आयोजन को लेकर तैयारियों का दौर तेजी से चल रहा है। विश्व कप में भाग लेने को लेकर अब तक 25 देशों के 80 पायलट ने अपना पंजीकरण करवा लिया है, जबकि स्लॉट बुक करवाने को लेकर अभी भी ऑनलाइन मेल आ रही है। इसके अलावा प्रतियोगिता के दौरान यहां आने वाले पायलट और पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति से रूबरू करवाने को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्याओं के आयोजन को लेकर मंथन किया जा रहा है। सरकार बिना तैयारी 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती। प्रदेश सरकार बिना तैयारी के 6 साल की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी सूचना के तहत दिए सुझाव पर चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में अहम फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक विशेष तरीके से लागू करने का कोई वैधानिक आदेश नहीं है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
हिमाचल में सालाना 4000 हार्ट अटैक के मामले, इन लक्षणों को पहचाने, सर्दियों में रहें संभल कर। हार्ट अटैक अब बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी नहीं रही। आधुनिक जीवन शैली, पैदल न चलना, शराब, धूम्रपान और जंक फूड का ज्यादा सेवन युवाओं के दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 40 से 60 ही नहीं, 24 से 20 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे में अभी से संभल जाएं, क्योंकि ये दिल का मामला है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हर साल हार्ट अटैक के 3500 से 4000 मामले सामने आ रहे हैं। IGMC के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर PC नेगी ने बताया कि हिमाचल में 40 साल से कम आयु के 8% और 20 साल की कम उम्र के 1% युवा हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। कुलपति की नियुक्ति के विधेयक पर राज्यपाल का बयान, बोले सरकारों को सार्वजनिक हित नहीं हड़पना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को सार्वजनिक हित के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, न कि सार्वजनिक हितों को हड़पना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का बिल अभी उनके पास नहीं आया है। बिल जब आएगा तो देखा जाएगा कि उसमें क्या पास किया गया है। बुधवार को राजधानी शिमला के समीप जुन्गा में मीडिया से बातचीत में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाने के मुद्दे पर राज्यपाल ने सरकार को निशाने पर लिया है। देश में 31 दवाइयों के 50% तक बढ़े दाम, NPPA ने जारी की अधिसूचना। देश में 31 दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं। इन दवाइयों के दामों में 50% तक की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय दवा कीमत निर्धारण प्राधिकरण ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। जिन दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई उनमें अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी स्थितियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दवाइयां शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार ये निर्णय 8 अक्टूबर को प्राधिकरण की बैठक के दौरान औषधि आदेश 2013 के पैरा 19 के तहत दी गई असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया। LNT ने मुख्यमंत्री राहत कोष को दिए 3.5 करोड़, मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया आभार। लार्सन एंड टुब्रो के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3.5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कंपनी का आभार व्यक्त किया। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की आवेदन प्रक्रिया में इस बार लाहौल स्पीति पिछड़ गया है। ऊना जिले में 1301 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। लाहौल स्पीति से महज 25 विद्यार्थियों ने मॉडल बनाने के लिए अपने आइडियाज दिए। पूरे प्रदेश से 7950 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्राकृतिक खेती को लेकर केंद्र ने हिमाचल के प्रस्ताव को ठुकराया। प्रदेश ने भेजा था 160 करोड़ का प्रोजेक्ट। प्राकृतिक खेती को लेकर केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्राकृतिक खेती को लेकर 160 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा था, जिसे केंद्र ने अस्वीकार कर दिया है। अब 3 दिन बाद यानी आगामी 19 अक्टूबर को होने वाली बैठक में केंद्र तय करेगा कि हिमाचल को इस प्रोजेक्ट के तहत कितनी धनराशि जारी करनी है। 17,000 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक, ये रहा कारण। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश भर में EKYC न करवाने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड ब्लॉक करने का काम शुरू कर दिया है। अब तक महकमे ने करीब 17,065 राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। पूर्व सैन्य अधिकारी से 20 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश स्टेट CID के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्यखंड मंडी की टीम ने साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान कुलवीर 27 वर्षीय पुत्र भोलेराम निवासी गांव भाकावा, डाकघर रसूलपुर, तहसील बहेरी व जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।